ये शिप लेके जा रहे हैं, अब ये सी साइड पे जाएंगे। ये बुड्ढे बुड्ढे लोग जो है ना, अंदर कोई फंक्शन, मुझे लग रहा है इन लोगों के बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। मैप लगाया हुआ है क्योंकि ये अब मस्जिद की जगह तब्दील कर रहे हैं। हमें पता नहीं चला तो हमें लाइन में खड़े होके वो कराना पड़ेगा। तो भाई भी फुल मिलीनर बिलीनर है और घूम रहा है फरारी के अंदर। चेक दिस आउट, आ जाएं आप लोग भी, खाएं मजे मजे के। इसे बताई थी या तो पैसे दे दो। आपके उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका भाई भी एकदम ठीक है। यार बॉयज, अजीब सा कोई मौसम हुआ है भाईजान। अभी मैं घर में था, सो के उठता हूँ तो सर्दी लग रही थी, अब मैं नहा धो के निकला हूँ भाईजान गर्मी लग रही है, ये क्या है भाई न्यूयॉर्क। यार सब बातों की एक बात, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज है जुम्मे का दिन और लेकिन सुदेम भाई को मिस कर रहा हूँ। सुदेम भाई गए मैं स्कूल, वरना पिछले जुम्मे सुदेम भाई हमारे साथ थे। तो अभी चलते हैं नमाज के लिए। आप भी लेट हो गए भाई, हम अभी भी लेट हो गए। चलो भाई चलो 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 चलो। यार बॉयज, हम नीचे उतरा हूँ, देखें ठंडी हवा चल रही है। ओ भाई बड़ा परेशान हूँ इस वेदर से भाईजान। यार आई लव यू, क्या खुदा की कुदरत है, सुभान अल्लाह। मैं जब इस पेड़ को देख रहा हूँ ना, सुभान अल्लाह कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पहले दिन आया था तब बिल्कुल ये टहनियाँ थी, कोई पत्ते नहीं थे। उसके बाद जब गर्मियाँ आई, हरे हरे पत्ते आए, अब सर्दियाँ आ रही हैं, देखें बिल्कुल प्योर येलो कलर है, प्योर, सुभान अल्लाह भाईजान, यही तो खुदा की कुदरत है। वे, 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 पुराने दिन भाईजान, शीशे खोलो, गर्मी गर्मी। अब देखें बॉयज, इंसान क्या करे, बाहर खड़ा हो रहा है तो सर्दी लग रही है, ठंडी हवा चल रही है, गाड़ी में बैठा हूँ तो भाईजान गर्मी लग रही है क्योंकि गाड़ी खोल रही थी भाई गर्म नहीं से। खैर बाबा जी, थोड़ी देर में ठीक हो ही जानी है यार। खैर बॉयज, गाड़ी हो चुकी है तकरीबन गर्म और अंदर से भी थोड़ा बहुत ठंडक महसूस हो रही है आपके भाई को। लेकिन अभी एक बदला हो गया है, आपके भाई के नेबरहुड की कॉल आई है, वो कहते हैं कि मुझे भी पिक कर लो, नमाज के लिए साथ चलते हैं। मतलब ओके, नमाज के लिए नेगी और पूछ पूछ। जितने लोगों को आप साथ नमाज पढ़ाने लेके जाओगे उतना सवाब है भाईजान। तो हमने बोला क्यों नहीं भाई, हम आ रहे हैं, वो सेकंड गली में रहते हैं, यहाँ से उनको पिक करते हैं फिर चलते हैं हम। हमजा मस्जिद, चलो भाई चलो, लेट्स गो। वैसे कॉल किसी की आती नहीं है बॉयज, क्योंकि सब अपने कामों में बिजी होते हैं। यहाँ पर जुम्मा हफ्ता इतवार क्या होता है, तो आजकल जो है मेरे पार्टनर फारिग हैं, तभी उन्होंने मुझे कॉल कर दी, वरना वो भी नहीं कॉल करते। ऑफ कोर्स उनकी भी जॉब्स होती हैं और आपका भाई बिजी होता है, आपका भाई तो ये व्लॉगिंग में बिजी है भाई। तो आपके भाई को खुशी होती है कि कोई साथ जाता है नमाज पढ़ने, तो उनको पिक करते हैं। ये हमारे से गली से निकले, ये लेफ्ट मोड़े, अरे भाई जान इन्होंने क्या कर, अरे ये देखें शिप लेके जा रहे हैं बॉयज, ये चेक करें आप, वो देखें ये शिप लेके जा रहे हैं, अब ये सी साइड पे जाएंगे। ये बुड्ढे बुड्ढे लोग जो है ना, ये एंजॉय करते हैं भाई, इनका काम कुछ भी नहीं है, फारिग तो होते हैं, इन्होंने बोला शिप डालो गाड़ी के पीछे और चलते हैं एंजॉय करने के लिए। इन बूढ़े लोगों का कुछ नहीं हो सकता भाई, तो हम भी बूढ़े होंगे, हम भी यही कर रहे होंगे। खैर घर आ चुका है उनका, तो उनको पिक करते हैं, हम चलते हैं दस्ती मस्जिद क्योंकि टाइम बहुत कम है। भाई साहब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ उनको लेने के लिए, सामने स्कूल में कुछ सिस्टम चल रहा है, फुल रौनक लगी हुई है क्योंकि टाइम जो है वो स्कूल का ही है ना। आपका भाई दिखाया घड़ी के अंदर, तो 2:05 हो रहे हैं, तो स्कूल की जो छुट्टी है वो 3:30 होती है। तो अंदर कोई फंक्शन, मुझे लग रहा है इन लोगों के बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, तब भी इनके पेरेंट्स भी आए हैं, आज पढ़ेंगे सबके थप्पड़ थप्पड़। खैर हर कोई हमारी तरह थोड़ी है भाई, उनको थप्पड़ पड़ेंगे वो फर्स्ट पोजीशन लाएंगे तो उनके घर वाले थप्पड़ क्यों मारेंगे, उनको तो तोहफे मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। सुबह दिन गर्ल्स पहुंच चुके हैं मस्जिद, देखते हैं पार्किंग अंदर मिलती भी है नहीं। अरे भाईजान ये कहां रहूं मैं, अंदर घुस रहा है, इसको बड़ी जल्दी है, वैसे मिल जाएगी, टाइम इतना हुआ नहीं है। अरे गाड़ियां जा रही हैं, मतलब पार्किंग है अंदर ही, लेट्स गो माय बॉय लेट्स गो। अंदर देखते हैं पार्किंग कितने मिलती है, पहले तो हमें यहीं मिल गई थी लेकिन गाड़ी लॉक नहीं हुई थी, अपन होती जगह है तो आगे ही लगाएंगे हम जाके। तो बॉयज एंड गर्ल्स, हमने मस्जिद के बिल्कुल आड़े आड़े गाड़ी लगा ली है, क्योंकि हमने पिछली बार जो सामने लगाई थी ना वो थोड़ी सी हमारे लिए पनौती जगह थी, गाड़ी लॉक नहीं हो रही थी फिर खुल भी नहीं रही थी। तो बस अब मस्जिद नमाज में टाइम कम रह गया है, तो अब दस्ती चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलता है। सो बॉयज, आपको एक और सीन बताता चलूं, हमजा मस्जिद के अंदर ये जो पूरी जगह है ना आप देख रहे हैं, ये जगह और अगली जगह और ये जगह इन्होंने ले ली है, और अंदर जो इन्होंने मैप लगाया हुआ है क्योंकि ये अब मस्जिद की जगह तो तब्दील कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं। इसके अंदर प्ले ग्राउंड, वो देखें प्ले ग्राउंड तो बना दिया तकरीबन उन्होंने, फुटबॉल ग्राउंड, गेमिंग एरिया, मतलब एक मस्जिद के अंदर होता है, यहाँ पे मस्जिदों में है लेकिन यहाँ पर नहीं था क्योंकि आगे पीछे घर थे ना, तो इन्होंने अब ये जगह भी ले ली आगे की, आपने देखी होगी ना वो पार्किंग, वहाँ तक इन्होंने वो जगह ले ली है। तो देखते हैं भाई जब बनती है, तैयार होती है, माशाल्लाह कैसी लगती है, अभी भी मस्जिद तो मस्जिद है भाई, खूबसूरत लगती है। तो लेट्स गो, अभी नमाज पढ़ते हैं।
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज एंड गर्ल्स नमाज अदा हो गई है और टाइम से जमात मिल जाती है ना, ये बड़ा सुकून हो जाता है भाई आपका। भाई हर दफ़ा लेट होता है, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि मैं लेट हूँ, लेकिन बस क्या करें, अपनी कोताहियों की वजह से लेट हो जाता है। तो चलते हैं अब घर की तरफ। भूख तो नहीं लग रही होगी, नाश्ता कर लिया आपके भाई ने? भाईजान ऐसा नहीं है कि भूख लग रही हो। पहले आपका भाई जुम्मे को आता था ना तो नाश्ता करके नहीं आता, तो भूख बड़ी लगती थी, लेकिन आज सिस्टम हो गया। भाईजान ने भी पानी की बोतल ली है वहाँ से, तो पानी पीता है। बॉयज मस्जिद के अंदर बाइक का भी सिस्टम दिया हुआ है कि बाइक भी सीख सकते हैं, लेकिन ये कोई जगह नहीं है सिखाने वाली, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई, अल्लाह ना करे मार दी ना तो भाईजान तू तो डूबेगा उसको भी लेके डूबेगा। बॉयज जब भी मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा होता ना, यहाँ की रौनक देख के आपके भाई का दिल फुल पाकिस्तान वाले वाइब में चला जाता है। जैसे पाकिस्तान में मस्जिद से निकलते हैं लोग बातें कर रहे होते बाहर, यहाँ पे भी वही सिस्टम है सेम टू सेम, तो पाकिस्तान की याद दिला देती भाई यहाँ पर आते ही। खैर बॉयज अब मैं जा रहा हूँ स्टेपल्स, क्योंकि मैंने जो है फोटोकॉपी करानी थी कुछ चीज़ों की। आपका भाई अब फ्रैंकलिन वाले में नहीं जाएगा, वो ज़्यादा पैसे चार्ज करके आपके सामने $5 सिर्फ एक कॉपी के। भाईजान स्टेपल्स में जाओ, सेंट्स में काम हो जाता है, तो भैया पैसे बचाओ, यहाँ पे आए हो तो पैसे बचाते रहो। तो चलते हैं स्टेपल्स, अपनी जो फोटोकॉपी निकलवानी है वो निकालते हैं, फिर निकलते हैं हमें जा रहे हैं। अरे बॉयज इलाके में पहुंचा हूँ स्टेपल से करीब, ये ट्रैफिक देखें भाईजान, ट्रैफिक ये गलियों का ट्रैफिक है। अब हाईवे पे तो पागल किया हुआ होता है हाईवे पे इस वक्त, ये जो टाइम है ना 3:30 बजे, ओ माय गॉड इतना ट्रैफिक होता है बंदा पागल हो जाए। और एक और टाइम 5:30-6 बजे करीब, तब तो आप भूल जाओ घर जाना है। रिसेंटली मेरे साथ एक सीन हुआ था, जब मैं आ रहा था मैनहट्टन से, तो मैं निकला 5:30-6 बजे करीब, बॉयज मैं घर पहुंचा रात के 8 बजे। ओ माय गॉड यार, कसम से इतना कोई फ्रस्ट्रेटेड वो सफर था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वैसे अगर ट्रैफिक ना हो, मतलब आप 55 या 1 आवर में पहुंच जाते हो ना, मतलब लिटिल ट्रैफिक के साथ, लेकिन उस दिन 3 घंटे मैंने बोला कि अब भाईजान पेंसिल्वेनिया जा रहा हूँ मैं, पेंसिल्वेनिया ये क्या होता है, पेंसिल्वेनिया जा रहा हूँ क्या, लेकिन घर पहुंचा मैंने शुक्र अदा किया और आपके भाई बैठ पे गया धुड़प सो गया। खैर बॉयज मैं पहुंच चुका हूँ स्टेपल्स, लेकिन ये दूसरा स्टेपल्स से अपने एरिया वाला नहीं है, एरिया से डिफरेंट है, क्योंकि मैं एक जगह जा रहा था तो मैंने रास्ते में स्टेपल्स ढूंढता हूँ स्टेपल्स किधर है, क्योंकि रास्ते में काम हो जाएगा वो ज्यादा बेहतर है तेरी भैंस की पूंछ। तो अभी चलते हैं अंदर, अपनी जो फोटो कॉपीज करानी है वो कराते हैं और फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। माँ की यहाँ की क्या हो गया, यहाँ पे कौन से ऐसे एरिया में आ गए जब पागल ही कर रहे हैं पुलिस वाले। अरे 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 भाईजान ये बहुत जल्दी में लग रहे हैं। खैर हम स्टेपल्स आ गए, अंदर चलते हैं करवाते हैं अपनी कॉपी। गाइस ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, देखें अलग अलग मतलब पोर्शंस बने हुए यहाँ पे, वो फर्नीचर है उधर और यहाँ पे हेडफोन्स, मतलब स्टेपल्स में तो आपको पता ही ये सब होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा है वो, देखें कहाँ तक बना है, हमें तो प्रिंट कराना ना यहाँ है प्रिंटर की जगह। एज यूजुअल यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, लाइन में खड़ा हूँ, अगर वहाँ से हम खुद ही करा सकते तो करा लेते, लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चला, तो हमें लाइन में खड़े होके वो कराना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा सारा साइज़, क्योंकि पहले तो हम ले आए थे वो लेबल, लेकिन इस दफ़ा हमें साइज़ बताना पड़ेगा। हाय आई नीड द प्रिंट आउट दिस टू लेबल्स, कैन यू डू द साइज़ 5x8 एंड अल्लाह बॉयज़ कसम से मैं इनकी चीज़ से तंग हूँ, इतना लंबी करते हैं बॉयज़। अरे गाने चलने बाहर जाके बताता हूँ यहाँ। सो बॉयज़ अभी आपको सीन बताता हूँ क्या हुआ, मैं अंदर गया हूँ, इतना टाइम लग रहा था, इतना टाइम वो इतनी देर से कर रही थी ना सीन, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ही मैं उसके पास गया मैंने फोटो कॉपी करा, उसने फ्री में कर दी। भाई आपके भाई का सिस्टम देख रहे हैं ना, अगर हम वहाँ जाते फ्रैंकलिन में $5 देने पड़ते हैं, यहाँ पर आपके भाई ने फ्री में सिस्टम करा लिया। इससे तो मतलब ये जाहिर हुआ है कि आपका भाई 20 मिनट दूर घर से आए सिर्फ ये फ्री में कराने के लिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अभी गुजर रहा था तो अच्छे लोग थे, मतलब ऐसे फ्री में यहाँ पे कोई करता नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दी भाई, इनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन अब चल रहे हैं एक जगह पर, तो आपको वहीं चल के मिलता है। अभी पता चला है कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो के सबसे अमीर लोग रहते हैं भाईजान, लिटिल नेक का एरिया है ये, यहाँ पर सारे यहूदी हैं, यहूदी कम्युनिटी रहती है, लेकिन इतनी अमीर है, मिलीनर्स होते हैं, मिलीनर्स बिलीनर्स वो यहाँ पर रहते हैं। तो अभी ये मेरे पार्टनर जो है वो गाड़ी अपनी लेने आए यहाँ पे, कोई गाड़ी उन्होंने अपनी बनने दी हुई थी सबर्बन,
तो वो अपनी गाड़ी लेते हैं। आपका भाई तो देख के हैरान है, मैं पहले आ चुका हूँ लेकिन इस साइड पे नहीं आया था, इसलिए तो भाई उसने फ्री में कर दिया। उसने बोला भाई यहाँ तो अमीर ही रहते, सब अमीर आते, कोई बात नहीं फ्री में कर दो, दो चार पेज तो है, वरना तो यहाँ पर एक एक सेंट पे भाई जान लड़ाई हो जाती है, मुंह तोड़ देते हैं, सर फाड़ देते हैं, एक सेंट दे मेरा। मैंने हैरान था भाई, अभी तक परेशान हूँ कैसे कर दिया। आपस की बात है, एरिया अच्छा है लेकिन ये रोड मुझे इतने छोटे छोटे क्यों लग रहे हैं। ओ अच्छा जी, आप आगे से लेफ्ट जाएंगे ना तो वो बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड, बड़े बड़े मेंशंस हैं। एक याद है मैंने आपको अगर दिखाया होगा अपने एरिया की तरफ, वैली स्ट्रीम की तरफ थे, जहाँ मिलेनर्स रहते हैं, वो भी यहूदी हैं। ये बात समझ नहीं आती, ये साले अमीर सिर्फ यहूदी ही क्यों हैं? पता नहीं भाई। आप समझ आया, अल्लाह ताला ने बोला था ना भाई जान दुनिया में जन्नत दे देंगे इनको, लेकिन आखिरत में क्या होगा जब वहाँ जाएंगे ये लोग, वहाँ तो इनको दोज़ख ही मिलनी है। ये लोग मिलीनर बिलीनर्स हैं, लेकिन खैर मुस्लिम भी हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ जो मुझे पता थी। भाई गलती कोताही होगी, माफ कर देना, अपने को इतना नहीं पता, लेकिन आपके भाई को जो पता था वो आपके भाई ने बोल दिया। तो खैर बॉयज वो चले गए हैं, उनकी गाड़ी हो गई है रेडी, तो उन्होंने बोला भैया आप चले जाओ जब तक, हम यहाँ रास्ते भर में हम दिखाते चले आपको किस तरीके घर हैं। ये देखें सामने एक घर बना हुआ है आपके सामने, यार क्या प्यारा घर बना हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई जान, इतना खूबसूरती से बनाया भाई, ये चेक करें। ओए 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 यार सच में बॉय मिलीनर बिलीनर ही रह सकते हैं, हम जैसे नहीं रह सकते यहाँ पे। क्यों नहीं रह सकते भाई, वन डे इंशाल्लाह अल्लाह सबको देगा, सबको मिलीनर बिलीनर बनाएगा, सब बोले आमीन सुम्मा आमीन, मेरे लिए भी दुआ कर करे आमीन। लेकिन ऐसे मिलीनर बिलीनर होने का फायदा दत, यहाँ पे भी ट्रैफिक है, लाना था आपकी शक्लों में भैया। अभी हम घर से दूर हैं 31 मिनट्स, तो भाई अब घर चलते हैं, और सुदेम भाई भी आ गए होंगे। टाइम क्या हो रहा है, 4 बज रहे, सुदेम भाई पहुंच गए होंगे घर, और सुदेम भाई को हलबली मच गई होगी भैया किधर चले गए, तो अब चलते हैं घर और सुदेम भाई से थोड़ी तफरी लेते हैं भैया। जब तक आप पूरे रास्ते घर देखते हुए चले, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जा रहे एक अमीर अंकल। हेलो अमीर अंकल, हाउ आर यू? चाइनीज है भाई जान, ये तो समझेंगे नहीं हमारी लैंग्वेज। ओह माय गुडनेस, रोड भी कितने खूबसूरत बने हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका भाई एक एक पल आपको दिखाएगा, डोंट वरी गाइस, ये चेक करें, हाय हाय हाय, लेकिन कलर अच्छा नहीं किया, इसको हम टैक्स करेंगे भाई जना। अरे अमीर बच्चा जा रहा है, अमीर बच्चा जा रहा है, अमीर बच्चा जा रहा है। उसकी बात है, अमीर लोगों के इलाके में वाइब ही अपनी होती है, मतलब अलग ही वाइब आ रही है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। आपका भाई भी फुल मिलीनर बिलीनर है और घूम रहा है फरारी के अंदर, वैसे आपके भाई की ये भी फरारी है, हल्का मत लेना इसको, जहाज बन जाती जहाज। भाई जान अमीर बच्चे दिखा दें, अमीर लड़कियां भी दिखा दें आपको, ये अमीर लड़कियां जा रही हैं, वो वालिद साहब से एक लड़का था, सबको आपको दिखाएंगे। लेकिन मुझे पता है अभी जो आपने देखा है ना, आपकी ज्यादा दिलचस्पी इसमें होगी, वहाँ लड़के शड़के को देखने में, लेकिन नॉटी है आप लोग सारे नॉटी। घर तो बॉयज अपनी जगह थे, रोड भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, पेड़ देखें कितने बड़े बड़े, एक तो यहाँ पे पेड़ ही बड़े बहुत बड़े बड़े, पूरा इस राइट पे देख रहा ये सारा जंगल है, और ये लेफ्ट पे घर बने हुए हैं, वो देखें सामने सारे पेड़, वाह भाई वाह, ये वाइब ही अलग है, बड़े मजे की वाइब है बॉयज। सो अब हम कहते हैं अमीर इलाके को बाय बाय, क्योंकि अब हम हाईवे पकड़ने वाले हैं और डायरेक्ट अब घर जाने वाले हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तो लेट्स गो, अब घर चल के मिलते हैं। इस 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पर पहुंच चुके हैं, और अब आपके भाई को लगने लग गई है भूख। यार ये भूख का सिस्टम समझ नहीं आता, चलते हैं देखते हैं कि कोई खाने का सेटअप है भी या नहीं, तो लेट्स सी ऊपर चलें। सुदेम भाई ने तो वैसे खा पी लिया होगा, अब आपके भाई रह गया, तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, की हाल है तोड़ा? माँ तू माँ तो फिर माँ तो माँ है, लेट को छोड़ तू माँ है। मैं नीचे अभी यही बात कर रहा था कि हमें भूख लग रही है, माशाल्लाह। अरे भैया तो इतना गर्म हो रहा है, मामले हद हो गई यार। ये देखें भाई इलेक्ट्रिक चूल्हे किस तरीके के, ये ऊपर शीशा लगा हुआ है और इसके अंदर भाई चूल्हा चल रहा है। अम्मा जी क्या बना रही हैं आप हमारे लिए? चिकन रोल भाईजान, चेक दिस आउट, आ जाएं आप लोग भी खाएं मजे मजे के। ये क्या है मम्मा? मेयोनीज और चपोटले, वाह भाई वाह। मैं तो कह रहा हूँ अम्मा जी आप खोल लें अब एक दुकान, बस हो गया, अब आप खोल लें अम्मा जी, सच में खोल लें, मैं आपका साथ दूंगा, नो प्रॉब्लम यार। बॉयज इतना कोई टेस्टी रोल होता है ना, मतलब मैं लिटरली 3-4 आराम से खा लेता हूँ, और बहुत लाइट होता है,
बहुत मजे का होता है। खैर अब आपके भाई को लग रही है भूख, जल्दी जल्दी अब ये जल्दी से फोड़ते हैं। अभी ये तक अंदर नहीं गया, अभी सुदेम भाई का भी सिस्टम देखते हैं। अरे अल्लाह जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने खाना शाना खा लिया, अब चलते सुदेम भाई के पास। अब एक्टिव हो गया आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले सलाम, दुआ जुम्मा है। नमाज तुमने पढ़ी नहीं है और जुम्मे की बातें कर रहे हो। नमाज नहीं पढ़ी ना भाई यार। क्यों आप इतने कब से नमाज पढ़े? नमाज नहीं पढ़ने जाते, जब मैं अकेला जाता आपके साथ जाता हूँ तो 5 मिनट के अंदर आप नमाज पढ़वा के फौरन ले आते हो। इतनी देर से भाई तो आज तो हम गए हुए थे, आज हमारा सीन हुआ था। फ्री को फोटो कॉपी कराइए भाई न्यूयॉर्क के अंदर। मैं फ्री प्रोटोकॉल करवा लिया भाई जान, तेरी शक्ल पे कोई करेगा फ्री फोटो कॉपी? हमारे पाम गए ना तो हमारे अंदर है। चुप कर बे कुत्ते। एबिलिटी नहीं होगी आने वाले होगा, फ्री फोटो कॉपी कर दो, मेरे पास थोड़े से पैसे नहीं। उसने दो चीजें बताई थी, या तो पैसे दे दो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। अब मैंने पैसे नहीं दिए। तो वो सुदेम भाई भी स्कूल से आए थे और लेटे हुए थे, अपना टैब यूज कर रहे थे। ये गेमिंग शेमिंग करते हैं भाई पबजी के अंदर, पबजी खेल खेल के इनका दिमाग पागल हो गया है। तो आज तो मैं अनबिलीवेबल सीन है कि प्रिंट जो है वो फ्री में निकल आया था। मुझे बस पता नहीं क्या है, न्यूयॉर्क के अंदर लोग एक सेंट भी नहीं छोड़ते, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो सुदेम भाई, भाई लोगों के कमेंट आए, लोगों के एक बंदे का कमेंट आया जो कि मैंने पढ़ा था कि सुदेम को बोलो मेरे साथ पबजी खेल ले। तो भाई मुझे तो बिल्कुल जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है तेरे पबजी के गेम में, लोगों को है तो उनको बता दे, अपनी आईडी दिखा दे इसके अंदर कि कौन सी आईडी है, ताकि तुझे रिक्वेस्ट भेजे और तेरे साथ खेल ले भाई। आईडी बता देता हूं, रिक्वेस्ट भेज लेना जब मेरे पास टाइम होगा। देखो टाइम नहीं होता भाई आके सामने। ये भाई ये बात तो है कि बस टाइम नहीं होता, सैटरडे संडे ये फ्री होता है, तो आपने जब भी इसके साथ खेलना हो खेल लेना, क्योंकि इसने हारना ही ऐसा गेम शेम नहीं है भाई, इसको लपेट देना पबजी के अंदर। सो बॉयज ये आईडी है सुदेम भाई की, ये होता ना ये आईडी होती है, ये वाली भाई देख ले आप लोग कर ले। नहीं नहीं बताने की जरूरत नहीं है, लोग देख लेंगे तो आप लोग इसको ऐड कर ले, जो जो पबजी खेलता है इसके साथ पबजी खेलो और उसको ऐसे ऐसे चंबे मारो पबजी के अंदर कि उसको नानी दादी याद आ जाए। तो ओके सुदेम भाई गुड नाइट, टेक केयर। नहीं नहीं अब बताओ भाई, ये कैमरे के बाहर मोबाइल रखते हो और ये डायरेक्ट इस जगह पे लेफ्ट पे गली जा रही है, अंदर जाके तो यहाँ क्या है भाई जान ये वॉशरूम तो भाई नेचुरल कॉल को कोई रोक सकता है क्या? नेचुरल कॉल को आप अभी धर रहे हो, नेचुरल भाई जहाँ जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं आती भाई, आप लोगों को नेचुरल कॉल नहीं आती भाई यार, क्या हमारे दादा आती है तो अल्लाह ताला का सिस्टम है हमारा, कोई इसमें खेल नहीं है भाई। तो भाई इसको फोन दे, ओके गुड नाइट टेक केयर बाय बाय। बस बॉयज एंड गर्ल्स सुदेम भाई चले गए हैं अब सोने के लिए और मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, कहीं सुदेम भाई फिर ना उठ जाए। तो बस हमारा सीन आज का कुछ यूं ही रहा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।